Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic Ayurvedic and basic dental sciences. Our today's topic is Hridya Rog of Rog Nidan Vikruti Vigyan. Before proceeding, I would like to thank you all for your support as we have just crossed 100 subscribers. ऑल्सो इस चैनल के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है हृदय रोग, मतलब कि हार्ट डिजीजेस। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हृदय रोग का व्याधि परिचय, उसका प्रमुख संदर्भ ग्रंथ मतलब कि रेफरेंस, हृदय रोग का निदान, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, सामान्य लक्षण, भेद व उनके विशिष्ट लक्षण व साध्य साध्यता एवं उपद्रव। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक राज की बात आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं वो फ्लैश कार्ड हैं, शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एक्सटेंडेड नोट्स बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हृदय रोग क्या है। तो आचार्य माधवकर के अनुसार हृदय में जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उन्हें हम हृदय रोग कहते हैं। अब इसकी रेफरेंस की हम बात करें कि कहाँ कहाँ हृदय रोग का वर्णन किया है आयुर्वेद में, तो आचार्य चरक ने हृदय रोग का स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन नहीं किया है, परंतु उन्होंने सूत्र स्थान अध्याय 17, चिकित्सा स्थान अध्याय 16 अथवा सिद्धि स्थान अध्याय 9 में हृदय रोग का वर्णन किया है। और सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय में हृदय रोग का वर्णन किया है। अब आचार्य माधवकर ने शूल रोग के भेदों के अंतर हृदय शूल का वर्णन किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अष्टांग हृदय में निदान स्थान अध्याय 5 में इसका वर्णन है अथवा अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 6 में इसका वर्णन है हृदय रोग का। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हृदय रोग के निदान क्या क्या होता है। निदान मतलब हेतु, क्यों हृदय रोग होता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो चरक के अनुसार हृदय रोग के सामान्य निदान हैं। पहला है व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हृदय रोग होते हैं। सेकंड है तीक्ष्ण आहार, बहुत ही स्पाइसी फूड वगैरह खाने से। थर्ड है विरेचन तथा वस्ति का अति मात्रा में सेवन। सो दोस्तों, विरेचन और वस्ति जो पंचकर्म में हम देते हैं उसका अगर अति मात्रा हो जाए, अति मात्रा में सेवन हो जाए तो उससे भी हृदय रोग होता है। फोर्थ पॉइंट है चिंता मतलब टेंशन। फिफ्थ है भय मतलब फीवर। सिक्स्थ है त्रास, त्रास को भी बहुत ज़्यादा जब हम भय लगता है तो उसे त्रास कर देते हैं एकदम से। सेवन्थ है किसी भी व्याधि की समुचित चिकित्सा ना होना, मतलब कि कोई भी व्याधि है उसकी ठीक प्रकार से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई भी डिजीज़ है उसका, तो उससे भी हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है। एट्थ है अधिक वमन, जब हम अधिक वमन अगर करा देते हैं पंचकर्म में तो उससे भी हो सकता है। नाइन्थ है वेग अवरोध, जो 13 अधारणीय वेग बताए हैं चरक ने, तो अगर उनको हम धारण करते हैं और वेग का अवरोध करते हैं तो उससे भी हृदय रोग की चांसेस रहते हैं। टेंथ है कृष कारक आहार विहार का सेवन। कृष कारक मतलब कि जो दुर्बल करे, हमें तो पतला करे, ऐसे आहार विहार का सेवन करने से हृदय रोग हो सकते हैं। और 11th है अभिघात मतलब चोट लगने से। दोस्तों, इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे कि हृदय रोग के 5 भेद होते हैं। वो हैं वातिक, पैतिक, कफज, कृमिज और सन्निपातज हृदय रोग। तो दोस्तों, अब हम इन सब के निदान एक एक करके देखेंगे। वातिक हृदय रोग के निदान, अगर हम वात प्रकोपित होने वाले आहार विहार का सेवन करेंगे तो उससे वातिक हृदय रोग हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट है जो कि हम कहीं भी लगा सकते हैं और हमें स्पेसिफिक हर एक टाइप के निदान या लक्षण को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि वातिक हृदय रोग के निदान में है कि अगर हम अतिरुष्क या शुष्क अन्न का सेवन करते हैं या शोक, भय और त्रास आदि मानसिक भाव रखते हैं, कषाय रस का अति सेवन करते हैं या श्रम आदि के मतलब कि ज़्यादा व्यायाम करते हैं या लंघन करते हैं, तो ये सभी जो निदान हैं वो अगर हम देखेंगे तो वात दोष को प्रकोपित करते हैं और इसलिए वातिक हृदय रोग के निदान है। सेकंड है पैतिक हृदय रोग के निदान। सो दोस्तों, अगर हम आम्ल लवण या तिक्त रस का अति सेवन करेंगे या अजीर्णाशन करेंगे, क्रोध बहुत ज़्यादा करेंगे, मद्यपान करेंगे, आतप सेवन मतलब धूप का सेवन करेंगे या फिर उष्ण आहार का सेवन करेंगे, तो इन सभी से पित्त दोष प्रकोपित होता है और इसलिए ये पैतिक हृदय रोग के निदान है। थर्ड है कफज हृदय रोग के निदान। अगर हम गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन करते हैं या अति मात्रा में सेवन करते हैं, आलस्य या निद्रा अधिक्य रहता है या फिर चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं हम, तो ये सब कफ दोष को बढ़ाने वाले निदान हैं और कफज हृदय रोग के निदान भी हैं। फोर्थ है क्रमिज हृदय रोग या सन्निपातज हृदय रोग के निदान। अब अगर मर्म प्रदेश में ग्रंथि हो जाती है या फिर हम मधुर द्रव्यों का अति सेवन करें, या फिर थर्ड है घृत, शीर और गुड़ आदि का अति सेवन करें, तो दोस्तों इनसे क्रमिज हृदय रोग और सन्निपातज हृदय रोग होने के चांसेस रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हृदय रोग की संप्राप्ति क्या है। तो दोस्तों अगर जो हमने पहले बताए निदान हैं उनका अति सेवन किया, तो निदानों का अत्यधिक सेवन करने से विकृत हुए दोष जो हैं हृदय में पहुंच जाते हैं और वहाँ रस आदि को दूषित करके हृदय के कारण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कैसे होता है वो हम राइट हैंड साइड में दिए हुए संप्राप्ति चक्र से समझेंगे। तो जब निदानों का अति सेवन हम करते हैं तो उससे आहार विहार का व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम का अर्थ है उल्टा, तो आहारज विहार जब हमारे उल्टे होंगे मतलब कि आपस में विपरीत होंगे, तो उससे अग्नि मानदेय हो जाता है वह सामरस धातु निर्माण होता है, मतलब कि हाइपरलिपिडीमिया होता है। उससे क्या होता है, स्रोतावरोध। स्रोतावरोध को हम मॉडर्न में अथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेट कर सकते हैं एंड उससे उसकी वजह से क्या होता है, धमनी प्रतिचय, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज, मतलब जो धमनियाँ हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट उसमें पैदा हो जाती है एंड उसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन मतलब कि उरहशूल। एंड दोस्तों फिर हम ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हृदय रोग की उत्पत्ति हो गई है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब हमने निदानों का अति सेवन किया तो उससे आहार विहार का व्यतिक्रम हो गया, मतलब कि वो विपरीत हो गया आपस में, जिससे कि अग्नि मानदेय हो जाता है एंड उससे सामरस धातु निर्माण हो जाता है, मतलब कि हाइपर लिपिडीमिया हो जाता है, मतलब कि मोर कंटेंट ऑफ लिपिड इन द ब्लड एंड जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन स्रोता अवरोध हो जाता है, उससे धमनी पर प्रतिचय मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज, जिससे कि हमें चेस्ट पेन फील होता है एंड लास्टली हृदय रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि इसके संप्राप्ति घटक क्या हैं एंड हृदय रोग के भेद, सामान्य लक्षण व उनके विशिष्ट लक्षण, अतः साध्य, साध्यता व उपद्रव। तो दोस्तों इस स्लाइड में लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल दे रखी है वह हृदय रोग की संप्राप्ति घटक व उसकी साध्य साध्यता के बारे में। तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय में साधक पित्त, अवलंबक कफ व व्यान वायु रहती है, तो हृदय रोग की उत्पत्ति में इन तीनों की विकृति ही होती है, मतलब कि साधक पित्त, अवलंबक कफ और व्यान वायु की विकृति से ही हृदय रोग होते हैं। कुछ आचार्य यहाँ व्यान के साथ प्राण वायु को भी हृदय रोग की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। दोस्तों ऐसे तो वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित होने से हृदय रोग की उत्पत्ति होती है, बट फिर भी माधवकर के अनुसार यह एक वातज प्रधान व्याधि है। दोस्तों हृदय रोग के दुष्य में आता है रस धातु व मेद धातु। अग्नि दृष्टि की हम बात करें तो जठराग्नि मानदेय से होता है, जैसा कि हमने संप्राप्ति चक्र में भी देखा था। दुष्ट स्रोतस है रस वह व प्राण वह। दोस्तों रस वह स्रोतस की यह व्याधि है। स्रोतो दुष्टि होता है संग, क्षय वैगुणीय है हृदय, उद्धव स्थान या उत्पत्ति स्थान है आमाशय या पक्वाशय। इसका अधिष्ठान दोस्तों उरह रहता है, मतलब कि चेस्ट रीजन। संचरण स्थान है प्राण वह स्रोतस। इसका रोग मार्ग मध्यम कहते हैं और व्यक्ति या कॉम्प्लिकेशंस हैं हृदय रोग। इसके 5 भेद बोले जाते हैं, जैसा कि वर्गीकरण में आपको बताया गया है यहाँ पे, दैट इज वातिक हृदय रोग, पैतिक हृदय रोग, कफज हृदय रोग, सन्निपातिक हृदय रोग और क्रमिज हृदय रोग। दोस्तों साध्य साध्यता की अगर हम बात करें तो वातज, पित्तज, कफज साध्य होते हैं, जबकि मोस्टली आचार्य जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि सन्निपातज और क्रमिज जो हैं वो असाध्य हैं, परंतु कुछ आचार्य क्रमिज को साध्य भी मानते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं लक्षण। तो अगर हम हृदय रोग के सामान्य लक्षणों की तरफ ध्यान दें तो वे कुछ इस प्रकार हैं। विवर्णता मतलब कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन, दूसरा है मूर्छा मतलब कि फेंटिंग, थर्ड ज्वर फीवर, फोर्थ है कास मतलब कि कफ, फिफ्थ है हिक्का मतलब कि हिकअप, सिक्स्थ इज श्वास मतलब डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सेवेंथ इज आस्य वैरस्य मतलब बेटर टेस्ट ऑफ माउथ, एट्थ इज तृष्णा पॉलीडिप्सिया, नाइन्थ इज प्रमोह मतलब कि स्टूपर, टेंथ इज छर्दी वॉमिटिंग, इलेवेंथ कफोत्क्लेश मतलब कि नौजिया, ट्वेल्थ है रुझा, थर्टीन है अरुचि। अगर हम भेदानुसार विशिष्ट लक्षण देखें तो वो हैं वातिक हृदय रोग के कुछ इस प्रकार लक्षण होते हैं जैसे कि खिंचावट होना, तोद, निमर्थन, दारण, वेष्टन, मूर्छा आदि। पैत्तिक में हृदय में दाह हो सकता है, तिक्तास्यता मतलब कि बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, तिक्त या अम्ल उद्गार, क्लम, तृष्णा, मूर्छा आदि हो सकते हैं। कफज में सुप्तता, स्तैमितता, तंद्रा, अरुचि, गौरव आदि लक्षण होते हैं। और सन्निपातज हृदय रोग में तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं, जबकि क्रमिज हृदय रोग के लक्षण होते हैं तोद, कंडू, उत्क्लेश, स्टीवन, शूल आदि। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके नोट्स बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, एंड मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो हृदय रोग का पार्ट 2 ज़रूर डालूंगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो संप्राप्ति चक्र है क्रमिज का वो कैसे चलता है। पहले अगर त्रिदोषज हृदय रोगी है मतलब कि हमने पहले बताया था कि जैसे वात, पित्त, कफ तीनों अगर प्रकोपित हैं और त्रिदोषज हृदय रोगी है कोई, एंड उसके बाद भी वो तिल, गुड़, शीर आदि मतलब दूध आदि का अति सेवन करता है तो हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। एंड अब इससे क्या होता है कि वो जो ग्रंथि बन गई है उसमें रस, रक्त आदि जो धातु हैं उनके द्वारा क्लेद की उत्पत्ति हो जाती है, एंड उस क्लेद से उस ग्रंथि में क्रमियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों, क्रमियों की उत्पत्ति जब ग्रंथि में हो गई है तो क्रमी हृदय का भक्षण करते हैं, उसका सेवन करते हैं या खाते हैं उसे, एंड इससे उत्पत्ति होती है क्रमिज हृदय रोग की। तो ये था संप्राप्ति चक्र क्रमिज हृदय रोग का। अब हम लास्टली देख लेते हैं कि हृदय रोग के उपद्रव क्या हैं। तो जो माधवकर के अनुसार हृदय रोग के उपद्रव हैं वो निम्न हैं। पहला है क्लम या मैलेज। इसका अर्थ है कि जब हमें कोई बिना कारण के बेचैनी होती है, थोड़ा अनईजी फील होता है तो उसे हम क्लम कह देते हैं। इंग्लिश में इसे मैलेज बोलते हैं, जिसका मतलब है अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, बिना किसी कारण के। सेकंड है अंगसात मतलब लूजनेस ऑफ द बॉडी। थर्ड है शोष मतलब कि कंजम्पशन। फोर्थ है भ्रम मतलब वर्टिको। फिफ्थ है अवसाद मतलब कि डिप्रेशन। सो दोस्तों, यह था हृदय रोग पर एक शॉर्ट वीडियो। अगर आप एक्सटेंडेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और हम इसका एक्सटेंडेड वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। Thank you for watching. Do like, share and subscribe if you like the video. Also let us know in the comment box कि आपको कौन से topics की और videos चाहिए so that they would be easy for you to understand.